हाथ नहीं लगाओ ख़राब कर दोगी मैं कह। चल डालेंगे छोले डालते हैं हम इसमें। बैठोगी ना फिर मामा देंगी ठीक है, आपके हाथ खराब हो जाएंगे नहीं करो। उफ आज मैं जाने लगी हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के घर, वहाँ दावत है तो फलाह को मैं जल्दी से ऑयलिंग कर देती हूँ। ये सरसों का तेल है इसके बालों पे लगाऊंगी और ये इसका है बेबी ऑयल, ये मैं इसके बॉडी मालिश कर दूँगी ठीक है फलाह। ओके अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो बस मैं हफ्ते में एक बार ही इसको बात कोशिश करती हूँ कि करवाऊँ। वैसे तो हर रोज़ ही इसके हैंड वॉश होते हैं, पाँव होते हैं, फेस भी वॉश होता है क्योंकि अब क्रॉल करती है तो इसकी वजह से जो है ना ये सख्त मट्टी मट्टी हो जाती है। खैर जल्दी जल्दी से इसको मालिश करते हैं, बात कराते हैं और इसका जो आउटफिट है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फलाह को मालिश करा के मैंने सुला दिया है और यहाँ पर मैंने ज़िशान के कपड़े भी धोने के लिए ठहरा दिए। अब जाती हूँ गैस चेक करती हूँ, अल्लाह करे आ गई हो, 11 बजे आती है। कभी कभी इंसान ना कामों में इतना बिजी हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि मैं बोल क्या रही हूँ। अच्छा मेरा दिमाग इधर उधर था और मैं बोल आप लोगों के साथ रही हूँ। अच्छा खैर पहले जाती हूँ जल्दी से गैस को देखती हूँ और उसका चूल्हा ऑन करके आती हूँ फिर और आके काम करती हूँ। यार लिटरली एक दिन के अंदर ऐसे सामान बिखरता है, ऐसे बिखरता है ना ओह। अच्छा खैर ये सारी जगह मैं सेट करती हूँ ठीक है, उस टेबल को भी, सर्फ वगैरह भी मैंने डब्बे में डाले हैं तो वो सारे उठाती हूँ, ये सारा सेट करते हैं जल्दी जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, इतना जल्दी लाइफ में भी हम कर सकते तो कितना अच्छा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जितने टाइम में भी हुआ। बाहर की जो हल्की फुल्की सी जो सफाई थी वो मैंने कर ली है ठीक है, चीज़ें बिखरी होती है वो साइड पर बस करती हैं, मुकम्मल सफाई मैं आज नहीं कर रही क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, 2 दिन बाद इंशाल्लाह करूँगी। अब मुझे बनाने हैं अपने एक छोटे से इयर रिंग्स, मेरा दिल कर रहा है कब से, बहुत इजी है, मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बनी थी, इसको मम्मा चाहिए थी, नींद से उठी है ना इसको नहीं समझ आई कि यहाँ चीज़ें बनी हुई हैं, रो रही थी, अब समझ आ गई है, अब मेरा काम करना मुश्किल है। नहीं करो फलाह, जब मैं इसको रखती हूँ या तो फलाह को नीचे रखती हूँ बेड से या फिर इस काम को रखती हूँ। बैठी हूँ मैं इधर बाजी के घर में आ गई हूँ, जल्दी आ गई मैं। फलाह को मैं नहलाया भी नहीं है, इसे मैं इधर ही नहलाऊँगी, ये दोनों नहाएंगे, इस बेबी ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई। चले खा ले, एग खा ले फलाह, ये खा लेगी अंडा उसके बाद, और फलाह इंजॉय कर रही है। देखे सामने ये कबूतर है ना इधर इनके, ये रहे देख। देखिए इन दोनों को, ये जो है ना पहले गिरी है चेयर से फिर इसके बाद खड़ी है, ये पता क्या कर रहे हैं दोनों। ये जो दूसरी लड़की है ना ये खा रही है खटाई और ये उसके साथ ना मिलके ना कारनामे कर रहे हैं दोनों। आपकी शर्ट कहाँ है, चलो आओ मैं दोनों को नहलाऊं, चलो 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 आओ। और फाइनली नहला लिया इन दोनों को, ये ऐसे कोई तंग किया है मुझे इन दोनों ने, ऐसा कोई शदीद तंग किया है ना, मेरी कमर टूट गई है, एक ये और एक ये। और बच्चों को नहलाना इज़ वेरी हार्ड। अब जल्दी से इसके कपड़े चेंज करते हैं दोनों के। फलाह बैठो, फलाह को मैंने पास करवाया ना, माशाल्लाह इसके हेयर्स चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सिल्की। ओए फलाह, अच्छा इसके बाल जो है ना ब्लैक नहीं है, इसके ब्राउन टाइप से, ब्राउन रेडिश टाइप से। जी गिरा दिए,
आपके भी दिखाऊं। दानिया कहती है मेरे बाल भी दिखाएं। इधर आओ करीब, आप आ जाओ, आपका हेयर स्टाइल बनाऊं प्यारा सा। ओके लोलो के, फिर मैं आपको मार चढ़ाऊंगी। मैं ब्रश कर, ब्रश छोटा वाला ब्रश है, बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला है। वापस आ गई है, वापस आ गई है। डैडी कहाँ थे? डैडी सो रहे थे। सो रहे थे हाँ। डैडी से डरी तो नहीं है? पकड़ा था। डैडी से डरी तो नहीं है ये? ना, रोई है सिर्फ। रोई है सिर्फ। हाँ। अच्छा। मैं इसको फिर से ले जाती हूँ। बाय बाय। ऐसे करे मम्मा को। चाचा। खुला बैठ, खुला बैठ जो। किरो। एक तो इसने तंग किया हुआ है, आप भी क्यों तंग कर रही हो मुझे? हाँ, अब ये मैं इसका देखें मैचिंग कपड़ा इसके साथ मैं बना रही थी, इसका हेयर बो। और ये मम्मा 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 हाई कहाँ चली गई ये? जैसे ही बनाने लगूंगी ना मम्मा मम्मा मम्मा, इसको मैं सुलाने लगी थी, सोई नहीं। थैंक यू दानिया, वेलकम। मज़ेदार किस्म का गोश्त बनाया है बाजी ने, नमकीन गोश्त। अब ये भी नहीं खाने दोगी मुझे? हाँ, बहुत मज़े का गला है, तब मज़े का बनाया है बाजी का। जो नमकीन गोश्त होता है ना, बहुत मज़े का होता है। छोटा छोटा चाहिए। फला सो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब ये सोई है। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा व्लॉग एडिट करती हूँ और उसका थंबनेल बनाती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ। ठीक है, चिकन फ्राई, इसका नमक बन गया, चिकन कढ़ाई और ये रस मलाई। आप क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हो? मैं बर्तन धो रही हूँ। क्या धो रही हो? बर्तन। बस शाम को सब आ गए थे, अम्मी अब्बू और बहन भाभी। हम सब का खाना बाजी ने किया था, बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिशेस बनाई थी। पीछे भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, आगे भी सारी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है बच्चे आपस में घर घर खेल रहे थे, तो मज़ा आ रहा था, अपना बचपन याद आ गया, वो चीज़ों को जोड़ जोड़ के रखना और फिर ये कि आप चोर हो और मैं पुलिस हूँ, इस टाइप के बहुत मज़े मज़े के। फिर उसके बाद दस्तरखान लग गया था बाजी के डाइनिंग रूम में माशाल्लाह से। यहाँ पर जो है फला जो है बर्तनों पे लग गई थी, बर्तनों के साथ खेल रही थी। मैं कहती हूँ फला बस किसी भी चीज़ से खेलती रहे, बस इन चीज़ों से खेलती रहता है। ये जो खूबसूरत ट्रे है मैंने बाजी को गिफ्ट किए, इसके अंदर आप लोग कबाब, छोटे समोसे हो गए, सैलड हो गया, चटनी, जो वट एवर रख सकें, चटनी भी। मेरा हेल्पर आ गया। यार आप टेढ़े कर रहे हो, सीधा रखो इस तरह, ये ऐसे। ओए मेरी बेटी आ गई, ये अभी इतना रो रही है, मुझे तंग कर रही है, पता है क्यों? क्योंकि खाने का टाइम हो गया ना, जैसे ही खाने का टाइम होता है बच्चे रोने लग जाते हैं। चलो बैठो अब यहाँ पे, ऐसे बनाओ, ये हमारा बंदा लेटा पड़ेगा। हाइड्रेटेड वाटर, क्या बात है, वाओ। अच्छा इसमें जो है ना सैलेड कन्वर्ट कर लिया और कबाब जो है ना गोल बन रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें रेड रखती है और इसमें वाइट रखती है। देखा ये फिर खाना लगा और ये रोने लगे हैं। इसको चावल खिलाती हो? चावल रुको। हाँ जैनब इधर ही बैठ जाओ। अच्छा लेती जो, ये लो जैनब।
फाइनली फलाह को जो है ना बाजी की मेड लेके चली गई थी, उसने अपने साथ बिठा के उसको चावल वगैरह भी खिला दिए और मुझे टाइम मिल गया कि मैं सुकून से खाना खा सकूं। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट जो है सही सजाई हुई थी। अच्छा, मुझे ना प्लेट सजा के खाने में बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ बहुत मज़े की और टेस्टी थी। और उसके बाद लास्ट में हमने खाई थी रसमलाई। या मेरे अम्मी अब्बू जब साथ बैठे होते हैं ना तो कम्प्लीट लगती है ज़िंदगी। चले अब व्लॉग को करते हैं हम एंड। मेरी अम्मी का लेमन येलो कलर का दुपट्टा खोखला है। अम्मी जी कौन किसका सूट है? बरोश बरोश। चलें जी अब मैं विला को करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी बेटी को। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह नेगेबान।